फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इन जनरल और जनरली में क्या फर्क है, जबकि दोनों का मीनिंग होती है। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इन जनरल और जनरली में क्या फर्क है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, जनरली इज एन एडवर्ब मीनिंग यूजुअली आ द मोस्ट पार्ट। जनरली एक एडवर्ब है जिसका मतलब यूजुअली या एट द मोस्ट पार्ट होती है। दे जनरली लाइक टू ड्रिंक मिल्क, वे ज्यादातर दूध पीना पसंद करते हैं, या वे आमतौर पर दूध पीना पसंद करते हैं, यानी यह काम ज्यादातर होती है। दे प्ले जनरली वेल, आमतौर पर वे लोग अच्छा खेलते हैं, यानी ज्यादातर टाइम वे लोग अच्छा खेलते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरली इज एन एडवर्ब मीनिंग यूजुअली आ द मोस्ट पार्ट। फ्रेंड्स, कई बार वर्ड जनरली का यूज सब्जेक्ट के पहले यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में होती है। ऐसा हम तब करते हैं जब हमें इस वर्ड पर जोर देना हो। तो फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखेंगे कि जनरली का यूज किसी वर्ब के पहले या किसी वर्ब के बाद होती है, और कई बार वर्ड जनरली का यूज सब्जेक्ट के पहले किया जाता है। ऐसा तब जब हम इस वर्ड पर जोर देते हैं यानी उस पर एम्फेसिस करते हैं। आइए फ्रेंड्स अब इन जनरल के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, इन जनरल एक आइटम है जिसका मतलब जनरली होती है। द टू वर्ड्स इन प्लस जनरल मस्ट कम टुगेदर टू हैव दिस मीनिंग। यानी अगर आप आम तौर पर या जनरली के सेंस में इन जनरल का यूज कर रहे हैं तो आपको इन और जनरल दोनों को एक ही साथ लिखना होगा, यानी आप इन दोनों के बीच में कोई और वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। इट ऑलवेज कम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेंड्स, वर्ड इन जनरल का यूज हमेशा हम सेंटेंस की शुरुआत में करते हैं जब हमें इस वर्ड पर जोर देना हो या जब हमें इस वर्ड पर फोकस करना हो। इट शुड नॉट कम बिफोर अ वर्ब। फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखेंगे कि इन जनरल का यूज किसी वर्ब के पहले नहीं किया जाता है। दो इट कैन कम आफ्टर अ वर्ब इन कॉमा। हालांकि यह किसी वर्ब के बाद यूज हो सकता है, लेकिन इन जनरल के पहले कॉमा होना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यह पहले सेंटेंस में इन जनरल का यूज सेंटेंस के स्टार्ट में हुआ है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में इन जनरल का यूज वर्ब के बाद हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इन जनरल और जनरली में फर्क समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।